नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। क्रिकेट की बात की शुरुआत करते हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन शर्मा हमारे साथ हैं। चेतन, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के दो क्रिकेटर्स के बीच हुई तू-तू मैं-मैं की। स्पोर्ट्स चैनल में मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी पर चर्चा चल रही थी, लेकिन बहस इतनी गर्म हो गई कि यूसुफ और रमी राजा एक दूसरे पर निजी हमले करने। टीवी चैनल बना जंग का मैदान, दो बड़े क्रिकेटरों की तू तू मैं लाइव। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के दो पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और रमीज राजा की, जो एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर आपस में भिड़ गए। फिक्सिंग की सजा पूरी करने के बाद पाकिस्तानी टीम में आए तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के मुद्दे पर, लेकिन आमिर मुद्दे पर बोलने के बजाय यूसुफ और रमीज एक दूसरे से ही उलझ गए। लाइव टेलीकास्ट के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट्स कर डाले, यहां तक कि दोनों ने एक दूसरे के करियर पर ही सवाल खड़े कर दिए। सुना आपने किस तरह पाकिस्तान के दो बड़े खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं, जिसके बाद इन दोनों की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। तो आपने रमीज राजा और मोहम्मद यूसुफ की तू तू मैं तो देखी। दरअसल इस झगड़े के पीछे काफी पुरानी दुश्मनी भी दिखाई देती है। रमीज पहले भी यूसुफ के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। चेतन, हम जेंटलमैन गेम की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, ये क्या तरीका हुआ? अगर आपकी पर्सनल टिफ है तो आप लाइव चैनल में तमाम लोगों के सामने, कौम के सामने इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें, मतलब इसको देखकर आप कहेंगे कि जेंटलमैन गेम है? मतलब मुझे तो शर्म आ रही है, मतलब बैठकर कि मतलब आप पर्सनल कमेंट्स नहीं। और सुर भी सबसे बड़ी बात है, अगर आप कमेंटेटर हैं, हमने बहुत कमेंट्री की है, आप कभी किसी के ऊपर पर्सनल नहीं हो सकते। मतलब ये हम ये कहेंगे कि आप सीनियर हैं, सीनियर जूनियर को कुछ ना कुछ सिखाता है, और क्रिकेट में सीनियर जूनियर बहुत चलता है। मतलब ठीक है, जूनियर का फर्ज है सीनियर की इज्जत करना, लेकिन जब सीनियर ही इज्जत नहीं करेगा तो इज्जत मिलेगी कैसे आपको? ये रमीज राजा को सोचना चाहिए। बहुत बड़े प्लेयर, मेरे साथ खेले हैं, अच्छे प्लेयर थे। देखिए, आप क्रिकेट उस जमाने की और आज के जमाने की क्रिकेट को कभी नहीं मिला सकते, क्योंकि उस समय ना के बराबर क्रिकेट होती थी, और आजकल इतनी क्रिकेट है तो आप आंकड़ों पर नहीं जा सकते कि किसने कितनी क्रिकेट खेली, किसने कितनी। लेकिन अगर आप जब कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं, आप कमेंटेटर हैं, हजारों करोड़ों बच्चे आपको सुन रहे हैं, वो क्या सीखेंगे? एक ऐसी टीम कॉम्बिनेशन होती है जिसमें हर प्लेयर का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, वो बात और है। कईयों के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, कईयों के अच्छे नहीं है। नहीं, देखिए, एक टेस्ट मैच अगर आप जीतते हैं, किसी ने शतक लगाया, कोई जीरो पे आउट हो जाता है, लेकिन कंट्रीब्यूशंस तो हैं, सबकी कंट्रीब्यूशंस हैं। और ये टीम गेम है, और टीम गेम तो तभी तो हम कहते हैं एक फैमिली की तरह है, आप एक नेट की तरह चलते हैं, आप फैमिली नेट है आपका, वैसे आप चलते हैं। मतलब ऐसी बातें जब ऊपर में आ जाए, ठीक है, आप माइट भी किसी के साथ आपकी रंजिश है, आप ड्रेसिंग रूम में कुछ भी बातें ऐसी होती भी होंगी, किसी हद तक कभी कभी आ जाती है, ऐसी बातें नाराजगी आपकी होती है। आप 11, 12, 16 प्लेयर हैं तो आप ऐसे नहीं कह सकते सभी एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन ओपन क्लोज डोर्स में आप जो मर्जी करें, जो ये यहाँ पर हुआ और जो पाकिस्तान चैनल पर हुआ, बहुत दुखदायी बात है। बिल्कुल, चलिए अब बात हम टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली की करते हैं। पिछले एक हफ्ते से करीब पूरी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी में जुटी है। टीम के बड़े बड़े खिलाड़ी विजय हजारे ट्रॉफी खेल भी रहे हैं, लेकिन विराट कोहली बिना किसी बड़ी वजह के आराम कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि इतनी बड़ी सीरीज से पहले विराट को आराम की क्या जरूरत? क्या उनके लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले मैच प्रैक्टिस जरूरी नहीं है? अनुष्का शर्मा के साथ फुटबॉल मैच देख रहे हैं। 25 दिसंबर को अनुष्का के साथ क्रिसमस मनाया और अब नए साल के शानदार स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। करियर में 50 की औसत से रन बनाने वाले विराट ने इस साल सिर्फ 36.64 की औसत से रन बनाए, यानी औसत के लिहाज से ये साल उनका सबसे खराब साल रहा है। इससे पहले साल 2008 में जब उन्होंने डेब्यू किया था, तब उनका औसत 31 का था। क्या ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले विराट को मैच प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? और अब आराम को तरजीह देने की वजह से ही कुछ अहम सवाल। विजय हजारे ट्रॉफी में अभी तक क्यों नहीं खेले हैं विराट कोहली? चेतन, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा ये भी कि क्या ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले मैच प्रैक्टिस को विराट जरूरी नहीं समझते? नहीं, जरूरी तो है प्रैक्टिस। सुरभि, कभी कभी हमारे कोचेस हमें ये बोलते थे, जब आप बुरे वक्त से जा रहे हैं, क्रिकेट से हट जाओ,
मतलब जरूरी नहीं है कि मैं मानता हूँ प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, मतलब ये हर समय लागू नहीं होता आपके ऊपर। कभी कभी हट जाने में भी भलाई है कि आप जब वापस आओ 7-8 दिन का रेस्ट करके डिफरेंट स्टोरी होती है। आप 2015 जैसे हम आंकड़े देख रहे थे काफी खराब जा चुका है, तो थोड़ी देर हट जाए। मतलब मैं उनकी कोई तरीफदारी नहीं कर रहा, मैं उनके वो नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोचेज हर समय बोलते आए हैं और आज भी कोचेज बोलते हैं हट जाओ थोड़ा सा, वापस आओगे बेटर क्रिकेट खेलोगे। चलिए हम आगे चर्चा करेंगे उस खिलाड़ी की जिसने 50 ओवर का मैच 50 गेंद में ही खत्म कर दिया। वेलकम बैक। अब बात उस तूफान की जो न्यूजीलैंड में आया। आज वनडे की सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड टूटते टूटते रह गया। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल ने सिर्फ 30 गेंदों पर 93 रन बना डाले। श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड के सामने सिर्फ 118 रनों का लक्ष्य था। सिर्फ 17 गेंदों पर गुप्टिल ने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। ये न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे तेज हाफ सेंचुरी थी। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आपने गुप्टिल की तूफानी पारी देखी, और इस बीच चेतन मेरा आपसे यही सवाल है कि ये तो वनडे की बात हो रही थी या T20 की, क्योंकि मुझे नहीं लगता 8.2 ओवर में 118 T20 में भी चेस किए जा सकते हैं। आप हालत सोचिए गेंदबाजों की, मतलब मैं ऐसे गेंदबाज बता सकता हूँ कि आपको समझ नहीं आएगी गेंदबाजी कहाँ करनी है। मतलब कोरी एंडरसन के हमने यहीं पर शतक देखा न्यूजीलैंड के अंदर जब उनका IPL में सिलेक्शन हुआ उसके बाद, और आज गुप्टिल ने, मतलब गेंदबाज कहाँ गेंदबाजी करें जब एक बैट्समैन इस मूड में होता है। मतलब हमें ये नहीं भूलना चाहिए 118 पे आउट भी किया उनके गेंदबाजों ने श्रीलंका को, लेकिन श्रीलंकन गेंदबाज को रात को नींद नहीं आएगी, ये कंफर्म है। चेतन बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा के लिए आपका।